हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज इस क्लास में पार्ट टू वीडियो में बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र को डायग्राम के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ सके। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है? जो मानव में जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में कौन बदल देता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो जो मानव में अमोनिया होता है उसे यूरिया में कौन बदल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत, यानी जो लीवर होता है यह अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। अमोनिया हमारे शरीर में बहुत ही जहरीला पदार्थ है जिसे यह अमोनिया में बदलकर ब्रिक यानी किडनी को भेज देता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन? तो यकृत। यूरिया का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी गुर्दा। तो जो यूरिया का निर्माण होता है वह लीवर में ही होता है यानी यकृत में ही होता है, क्योंकि यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो इसका निर्माण भी लीवर ही करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। यह आप लोग फिगर देख सकते हैं, यह यकृत का फिगर दिया गया है। यह क्या करता है, इसका कार्य क्या है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और किडनी को भेज देता है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी साइटोन, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो जो किडनी का संरचनात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन, क्योंकि जो ये किडनी है यह किडनी हजारों लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बना है। जो यहाँ पर जूम करके ये दिखाया गया यही नेफ्रॉन है। तो ये नेफ्रॉन क्या है? ये संरचनात्मक इकाई है किसकी? किडनी की। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जिगर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी ग्रहणी। तो जो नेफ्रोलॉजी होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेफ्रोलॉजी क्या है। तो जो किडनी का जो संरचनात्मक इकाई, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया कि जो किडनी का संरचनात्मक इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन से ही लाखों नेफ्रॉन से मिलकर किडनी का निर्माण होता है। तो इसी नेफ्रॉन को हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी नेफ्रॉन को अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो गुर्दा यानी किडनी का, इसे हम लोग ब्रिक भी कहते हैं हिंदी में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डायलिसिस होता है यह क्या है पहले जान लेते हैं। जो हम लोग का गुर्दा होता है यानी किडनी होता है वो क्या करता है? रक्त को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है यानी रक्त को छानता है। इसी छानने को क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ये रक्त को छान कर जो वर्ज्य पदार्थ है, जो वेस्ट मैटर है, उसको लेकर मूत्राशय के द्वारा ये मूत्राशय के द्वारा ये बाहर शरीर से बाहर निकाल देता है। और ये जो छानता है ब्लड को क्या करता है? छानता है यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। इसी क्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस किसके खराबी करने से डायलिसिस किया जाता है? यही जो क्रिया, अगर किडनी खराब हो गया तो डायलिसिस तो होगी नहीं, किडनी जो है रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर ही नहीं पाएगा। तो यह क्रिया बाहर मशीन में किया जाता है और फिर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके वहां से वापस शरीर में ब्लड को भेज दिया जाता है। तो इसी क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो ये किसके कारण किया जाता है ये उपचार? ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी, यानी जो किडनी होता है ये खराब हो जाता है तो हम लोग डायलिसिस उपचार कराते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। ऑप्शन ए श्वसन से, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रसार। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो हमारे शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ है, जो वेस्ट चीज है, इसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो हमारे शरीर में हानिकारक जो पदार्थ है उसको किसी के द्वारा, जैसे स्किन के द्वारा जो स्वेट निकलता है, हम लोग का जो पसीना है वो एक वर्ज्य पदार्थ है, ये बाहर निकलता है। पसीना बाहर निकलना क्या हो गया? ये उत्सर्जन हो गया।
उसी तरह हमारा लंग्स है वो हम लोग जो CO2 बाहर निकालते हैं श्वसन जब छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है, तो CO2 क्या हो गया, ये वर्ज्य पदार्थ हो गया, ये जिसे हम लोग इसे क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी जो उत्सर्जन हुआ किसका CO2 का। उसी तरह जो किडनी होता है ये रक्त को छानकर जो वर्ज्य पदार्थ है उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं शरीर से, इसी को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं यानी उत्सर्जन। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिट्रेट। तो ये जो किडनी है, ये जो आप देख रहे हैं ये किडनी है, इसके अंदर जो स्टोन हो जाता है ये आप लोग देख सकते हैं, जो स्टोन हो जाता है यानी इसको हिंदी में पथरी कहते हैं, इसका निर्माण होता है किसके सामान्य जो यौगिक है बहुत ही ज्यादा होने कारण इसका निर्माण हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीलेट। जो ये जो स्टोन होता है पथरी होता है या कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना हुआ होता है जिसे हम लोग पथरी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा होता है, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमोनिया नाइट्रेट। तो जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन अवशिष्ट, जो नाइट्रोजन के जो हम लोग शरीर में जो नाइट्रोजन होता है वो वर्ज्य पदार्थ जो अवशिष्ट है, जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ है अवशिष्ट, वो कौन से है, तो वो होते हैं यूरिया, जो मूत्र के रास्ते से निकलता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और उसे किडनी के द्वारा भेज देता है, और किडनी क्या करता है मूत्राशय के जो नली होती है उसे मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। तो जो नाइट्रोजन अवशिष्ट क्या हो जाएंगे हमारे, यूरिया। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। तो जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरिक्रोम द्वारा होता है, जो यूरिक्रोम पाया जाता है मूत्र में इसी कारण यह मूत्र का रंग पीला दिखता है। और जो मल होता है यानी लेट्रिन होता है वो किसके द्वारा होता है पीला दिखाई देता है, तो बिलरुबिन के कारण वो पीला दिखाई देता है। और मूत्र अगर पूछा जाए मूत्र जो है उसका पीला रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है, तो उसका होता है यूरोक्रोम, और मल होता है बिलरुबिन के कारण पीला दिखाई देता है। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मूत्र होता है मूत्र में 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है और 2% लवण होता है और अन्य 1% होता है। तो मूत्र के बाद जल में सर्वाधिक मात्रा क्या होता है, यूरिया का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है यूरिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। तो जो किडनी होता है यह नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, करोड़ों लाखों नेफ्रॉन से यह मिलकर बना होता है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे नस पाई जाती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, और इस नेफ्रॉन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी का जो संरचनात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन, और उसी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किडनी के बाहरी आवरण जिसमें किडनी बंद रहता है, एक झिल्ली नुमा होता है, ये जो किडनी है इसके बाहर में एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन ए पेरिटोनियम, ऑप्शन बी पिरामिड, ऑप्शन सी यूरेथ्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो किडनी होता है इसके बाहरी जो आवरण जिससे ढका हुआ रहता है किडनी, उसे हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में मैंने पार्ट वन वीडियो में जो फुल जो कंसेप्ट है पूरे विस्तार से डिस्कशन कराया है पार्ट वन वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि ये सब क्वेश्चन चंद सेकंड में आप लोग कर सकते हैं। फेफड़ा यानी लंग्स द्वारा उत्सर्जित होता है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी बलगम, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो फेफड़ा होता है यह हमारा क्या उत्सर्जन करता है, CO2, जो हम लोग श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, और हम लोग जो छोड़ते हैं उसे हम लोग CO2 कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ये वर्ज्य पदार्थ हो गया, यह हमारे शरीर का जो
वर्ज्य पदार्थ है, वेस्ट चीज है, यह CO2 हो गया। साथ में उसके साथ में क्या निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है और उसी के साथ में बलगम भी निकलता है। ये जो बलगम होता है, बलगम क्या होता है, जो हमारे गले में खखाड़ या जो लार ग्रंथियां वहां पे फंसी रहती है, जो कफ हो जाता है हमारे गले के वहां पे, तो वो कैसे निकलता है, ये जो ये लंग्स है ये क्या करता है, यहां से ये प्रेशर देता है, प्रेशर देता है जिसके कारण वो बाहर निकल पाता है। तो ये बलगम, उसी जो खखाड़ होता है, कफ होता है, उसी को हम लोग बलगम कहते हैं। तो ये बलगम का भी उत्सर्जन करता है, जलवाष्प का भी उत्सर्जन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उत्सर्जन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, फेफड़ा जो है, लंग्स, ये CO2, जलवाष्प और बलगम, ये तीनों का उत्सर्जन करता है। मूत्र का प्रकृति कैसा होता है, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन डी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मूत्र का प्रकृति होता है, मैंने पार्ट वन वीडियो में ही बताया था कि जो मूत्र का प्रकृति होता है यह अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसको पीएच स्केल में देखा जाता है तो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में ही होता है, तो ये ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये पीएच मान क्या होता है, ये जो स्केल होता है इस पे मापा जाता है, ये 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, अगर 7 है न्यूट्रल, तो 7 से कम में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय ज्यादा होगा, और 7 से अगर ज्यादा जाएगा तो ये क्षारीय ज्यादा होगा। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है यह 4.8 होता है, तो यह अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.8, मूत्र का पीएच मान 4.8 होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इस तरह की टॉपिक वाइज वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पीकेएस ऑफिशियल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।